दोस्तों टटोलो नौकरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं अरविंद यदुवंशी एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE एग्जाम 2024-25 की। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी स्टार्ट डेट 13/2/2024 तथा लास्ट डेट 22/3/2024 है। अग्निवीर एग्जाम डेट की बात कर ले तो इसका एग्जाम डेट की भी तिथि घोषित कर दी है। 22 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम होना है। 24 से 7 मई 2024 के बीच इसके एग्जाम होने हैं। फीस की बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250, SC ST के लिए भी 250 रुपये है। मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST यानी सभी वर्गों के लिए 250 रुपये फीस है। अग्निवीर रैली रिक्वायरमेंट, मतलब ये रैली भर्ती है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेडमैन के लिए 17.5 मतलब 17.5 साल से 21 साल के बीच आवेदन कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1/10/2003 से 1/4/2007 के बीच के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। फॉर सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो इसमें 17.5 से 23 साल के बीच के लोग आवेदन कर पाएंगे। 1/10/2001 से 1/4/2007 के बीच के लोग आवेदन कर पाएंगे। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें 19 से 25 साल यानी कि 1/10/1999 से 1/4/2005 के लोग के बीच में आवेदन कर पाएंगे। JCO रिलीजियस टीचर की बात करें तो 17 से 34 साल के बीच के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। 1/10/2024 को इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों आर्मी अग्निवीर रैली एलिजिबिलिटी 2024 में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8, 10, 12 पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप वन की बात करें तो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर में 162 सेंटीमीटर। फॉर ऑल अदर अग्निवीर पोस्ट GD टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए 169 सेंटीमीटर इसमें लंबाई जो मांगी गई है। 1.6 किलोमीटर रनिंग है 5 मिनट 30 सेकंड में। इसके 60 मार्क्स हैं। अप टू 10 टाइम मतलब 10 मिनट से ऊपर जाएंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 फिट दोस्तों अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी फॉर वुमेन मिलिट्री पुलिस की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कक्षा 10 मैट्रिक पास विद मिनिमम 45% से 33% ईच सब्जेक्ट। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% नंबर होने चाहिए और 45% कम से कम नंबर होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप वन की बात करें तो हाइट 162 सेंटीमीटर और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में इनकी रनिंग होनी चाहिए। 10 फिट लॉन्ग जंप होनी चाहिए, 3 फिट हाई जंप होनी चाहिए। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 40% ईच सब्जेक्ट। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर होने चाहिए और टोटल नंबर 50% कम से कम होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर। और रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में होनी चाहिए। 9 फिट जंप होनी चाहिए और बाकी का इसमें और भी क्वालिफिकेशंस हैं। फार्मा में आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 पास्ट विद क्वालिफिकेशन डी फार्मा, मतलब इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी चाहिए मिनिमम 55% के साथ। दोस्तों हाइट फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए और 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड में रनिंग चाहिए। JCO रिलीजियस टीचर की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो RT पंडित
रिलीजियस टीचर पंडित एंड पंडित गोरखा हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री आचार्य इन संस्कृत एज मेन और कोर सब्जेक्ट और रिलीजियस इन वन ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड में होना जरूरी है। ऐसे ही बाकी के जो रिलीजियस टीचर हैं उनका अलग अलग बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम मुस्लिम कैंडिडेट के लिए भी लिए अदीब ए माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू, ठीक है। ऐसे ही बुद्धिस्ट के लिए भी उनके जो डिग्री है उसमें क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर हम ऊंचाई की बात कर लें इसमें तो 160 सेंटीमीटर और अदर जो रिलीजियस हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर चेस्ट 70 सेंटीमीटर और 1.6 किलोमीटर रनिंग चाहिए 5 मिनट में। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसके आवेदन करिए। इसकी जो डिटेल है वो वैकेंसी डिटेल नहीं दी है इसमें, वैकेंसी डिटेल नहीं खोली है, ये रैली भर्ती है। दोस्तों जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही हमारे टेटोलो नौकरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।